अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, बिल आखिर वो खबर मार्केट में आ ही गई जिसे हम इस वीडियो में ब्रेक करने जा रहे हैं, जिसके बाद शिबा इनू के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, जिसका दावा हमने आपसे दिसंबर के बर्न में भी किया था, जनवरी की 7 तारीख को भी किया था। और अब की जो बर्न पार्टी होने जा रही है वो अगर अपने टाइम पे होती है तो शिबा इनू के प्राइस यकीनन आपको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। कतन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इतने डॉलर का हो सकता है, इतने सेंट का हो सकता है, इतने रुपए का हो सकता है, लेकिन जो कीमत आप आज की तारीख में देख रहे हैं यकीनन इससे ज्यादा ही होगी। और 2022 में शिबा इनू ने लाजमी प्लस करना था तो वो लाजमी प्लस करेगा। आप देखेंगे इस वीडियो में वो न्यूज जिसका अभी तक आपको मुकम्मल खुलासा नहीं मिल सका। तो दोस्तों, जहन में रखिएगा कि जिस किसी ने भी शिबा इनू को 2021 में बाय किया था और अभी तक वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, यकीनन उनको बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है आने वाले बर्न में। ये बर्न आपके लिए क्या रेट लेकर आता है और इसके ओनर जो स्टीवन कूपर हैं वो हमेशा शिबा इनू को लेकर रहते हैं खबरों में, तो अब उन्होंने मार्केट में क्या खबर छोड़ी है और अपने तमाम वादे वो अब तक पूरे करते आए हैं, नो डाउट सेम बीएनबी के बर्न की तरह। तो अब ये बर्न शिबा इनू में क्या ज्यादा यानी कि बूस्ट लेकर आएगा, इसी के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम साबित होगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि जिन्होंने भी शिबा इनू होल्ड करके रखे हैं वो अभी इस बर्न का फायदा उठा सके। तो दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं उस न्यूज की तरफ। उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हर न्यूज हर प्रोजेक्ट आप तक बिना किसी झंझट के पहुंचता रहे। और अगर आप हासिल करना चाहते हैं फौरी नोटिफिकेशन तो बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर आपसे वो न्यूज शेयर करने हैं जो आने वाले वक्तों में शिबा इनू के प्राइस को बहुत ज्यादा बूस्ट देने जा रही है। और अगर आपने काफी अरसे से शिबा इनू के कॉइन्स को बाय कर रखा है तो यकीनन आपको उसमें बूस्ट देखने को मिलेगा और आपके कॉइन्स आपकी उम्मीदों को पूरा भी कर सकते हैं और आपके हालात को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, खबर मैं कुछ यहाँ से शुरू करूँगा कि नेक्स्ट शिबा इनू बर्न पार्टी कमिंग टू बर्न अनदर बिलियन कॉइन्स। जहन में रखिएगा पहली बात कि इस दफ़ा मिलियन कॉइन्स का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, बिलियन कॉइन का यूज़ किया गया है वर्ड, वो भी इनके ओनर स्टीवन कूपर की तरफ से। इस न्यूज़ का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि आपको मेरी हर न्यूज़ का लिंक जो है अल्लाह के फजल से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ते हैं। 14 फरवरी का दिन ही क्यों चुना गया, क्योंकि 14 फरवरी को होता है वैलेंटाइन। तो मैं आपसे खबर जो है इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते साथ उसकी ट्रांसलेशन भी करना चाहूँगा। दिस वैलेंटाइन स्टीवन कूपर एन ऑनर ऑफ बिगर एंटरटेनमेंट डिसाइड टू शो कम सम लव फॉर शिप कम्युनिटी एज हर अरेंजिंग अनदर बर्न पार्टी ऑन फरवरी 14 2 PM CST। तो दोस्तों, जहन में रखिएगा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस बर्न बिलियंस की बर्न पार्टी के बाद जब इतने ज़्यादा कॉइन स्पॉइल कर दिए जाएंगे, ज़ाया कर दिए जाएंगे, तो इसकी कीमत में आपको माइनर सा भी इजाफा देखने को ना मिले। लाजमी जो आज की तारीख में आप इसकी आप कीमत देख रहे हैं वो कीमत शिबा इनू की कभी नहीं होगी। और शिबा इनू को ये कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह इसके प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और आगे अगर ये रॉबिन हुड जो एक्सचेंज है वो इसे अपने अंदर मर्ज कर लेती है, इसमें ऐड कर लेती है, तो भी आपको बहुत कुछ इसमें देखने को मिल सकता है आने वाले वक्तों में। अगला हिस्सा न्यूज़ का मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। द शिप डाई हाल डवर हैज़ टू द प्लान बर्न अनदर बिलियन कॉइन एट दिस पार्टी ध्यान में रखिएगा। मोस्टली हमें इस चीज़ का सामना रहता है कि जी मिलियंस की बर्निंग होगी तो शिबा इनू के प्राइस में कोई ऐसा हमें बूस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ज़हन में रखिएगा इस दफ़ा जो बर्निंग पार्टी है वो बिलियंस की है। और ट्विटर जो है स्टीवन कूपर का मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। अवर नेक्स्ट बर्न पार्टी विल बी Feb 14 2 PM CST विद शिप एट दिस प्राइस। इट वुड ओनली टेक अराउंड 5,600 पीपल पिचिंग इन $5 टू बर्न अनदर बिलियन कॉइंस। लेट बिल्ड इट द पोर्ट। तो ज़हन में रखिएगा दोस्तों के जब ऑनर अपने कॉइन्स को बर्न करने का जो वादा है वो मुसलसल पूरा करी जाए तो उसका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलता है, जैसे कि आपने बीएनबी में देखा था। नो डाउट बीएनबी की जो सूरत हाल है इससे कदरे डिफरेंट है, लेकिन जब शिबा इनू अपने तमाम किए हुए वादे पूरे कर रहा है तो हमें इस चीज़ में
अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लो रखना चाहिए। मोस्टली लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर कि शिबा इनू की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा है कि हम किस तरह इसको कंट्रोल करेंगे कि हमारे वादे पूरे हो सके जो हमने इससे उम्मीद लगा के रखी है। तो लिहाजा इसको आप एक फ़िलहाल आम कॉइन की तरह अपने पोर्टफोलियो में पड़े रहने दें, ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता है। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ खबर का अगला हिस्सा। तो दोस्तों जो न्यूज़ का जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही अहम है, क्या रीज़न है इसके बार बार बंद करने की, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। बिगर इंटरटेनमेंट हैज़ लॉन्च इट्स शिबा बर्न कंपेन हैज लेस देन 3 मंथ अगो, यानी कि तकरीबन 3 महीने पहले भी इसकी एक बर्निंग की पार्टी हुई, उसके बाद अब फिर हो रही है। और अगला हिस्सा बहुत अहम है, दीज कंपेन इज टेक टू द प्राइस ऑफ शिप टू द मून, यानी कि वो वाकई ही इसकी कीमत को एक खास मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी कंपेन जो है वो और जो इंटरटेनमेंट की जो पार्टी चलती रहती है उसका असल मकसद ही शिबा इनू की प्राइस को इंक्रीज करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें फॉर्मली जो 7 जनवरी को बर्न हुआ था उसमें भी तकरीबन 1 बिलियन तक कॉइन जो बर्न किए गए थे, लेकिन इस बार स्टीवन कूपर का कहना है कि जो बर्न होगा वो 1 बिलियन से कहीं ज़्यादा हो सकता है। और जितनी भी सर्कुलेशन इस वक्त मार्केट में है उसकी ऑटोमेटिकली कीमत आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे कि आपने देखा हो कि किसी भी कॉइन की तादाद अगर मार्केट में कम होगी तो ऑब्वियसली उसको उसकी कीमत को फ़र्क देखने को मिलेगा। और एक अनदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस कैंपेन इज दैट ऑल द बर्न आर वेरीफाइड बाय शेतोशी कुसामा एयर लीडिंग डेवलपर ऑफ शिप हिमसेल्फ, यानी कि जितने भी बर्न हुए हैं वो कंपनी से रिलेटेड हुए हैं, किसी आउटसाइडर ने नहीं किए। तो जब कंपनी इसका बर्न करती जा रही है तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपने जो कॉइन खरीद रखे हैं जो आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं उसकी कहीं ना कहीं कीमत वैल्यू खुद बहुत बढ़ती जाएगी। जिस तरह के मैं इसकी मिसाल आपको पहले भी दे चुका हूं कि एक चीज़ जिसकी तादाद कम होती जाएगी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों अगर हमें इसी तरह ही इसमें बूस्ट देखने को मिलता रहा और जो इसके बर्निंग है वो अपने टाइम पे होती रही तो इसके बाद में आने वाले जो कॉइन्स हैं यानी कि किशु इनू और ऐसे जितने भी हमें मीम कॉइन अब देखने को मिल रहे हैं उनके प्राइस को भी हमें कल को बूस्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि वो मीम कॉइन्स जो इस वक्त आपको 80 के अंदर अवेलेबल हैं वो कल को शिबा इनू की जगह ले सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपसे 60, 70 और 90 तक के कॉइन्स आपसे शेयर किए थे। ऑब्वियसली जब शिबा इनू आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, आपको याद होगा कि जब शिबा इनू मार्केट में आया था तो इसके कितने ज़ीरो थे, जितने भी ज़ीरो थे आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर आज शिबा इनू आपको 40 में अवेलेबल है तो उसकी क्या रीज़न है। कल को वो इससे पहले वो 80 में भी था, 7 में भी था, आज आपको 40 में देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली अगर बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि अब इनके बाद हमें किन कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं आपसे कहूँगा कि शिबा इनू के जैसे जितने भी कॉइन्स हैं जिसमें आपको 80 आज की तारीख में देखने को मिल रहे हैं वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों मार्केट डाउन हुई तो लोगों का ये मानना था कि शिबा इनू 4027 तक जा चुका था और मैं ऑलरेडी अपने व्यूवर्स को 4028 का जो लेवल था सपोर्ट लेवल मैं इनको बता चुका था कि आपने इस मौके पर लाजिम बाइंग कर लेनी है, जबकि हम आज देखते हैं तो शिबा इनू हमें 4031 पे बाय करने का अवेलेबल है। अगर आप आज की तारीख की बात करते हैं जिस दिन मैं आज आप वीडियो अपलोड करके आप तक पहुँचा रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि आपको अगर शिबा इनू 4028, 4025 तक भी बाय करने को मिले तो आप सिर्फ और सिर्फ $20 से $30 का बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाहिद अब कॉइन होगा स्ट्रॉन्गेस्ट मीम कॉइन जो डोज के साथ खड़ा है, कभी भी ये अपनी सूरत हाल चेंज कर सकता है ख़ास करके इस बर्न के बाद। और अगर ये बर्न मिसाल के तौर पर 5 बिलियन तक का हो गया, क्योंकि लास्ट अगर हम काउंट करें तो 1 बिलियन का था, ये 1 बिलियन से कहीं ज़्यादा हुआ तो आपको लाजम शिबा इनू के प्राइस में इजाफा होता दिखाई देगा। और वो चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, अगर आपने 2025 तक के लिए इसे बाय करके रखा है तो भी ये परफेक्ट है आपके लिए। आपका मतलब कॉइन्स आपके पास इस वक्त अपने पास बताते खुद आपके पास मिलियंस में पड़े हुए हैं तो ये आपको फ़ायदा ही दे करके जाएगा। तो दोस्तों होपफुली आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा और इस न्यूज़ को शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों के पास जिनकी उम्मीदें
हाई एक्सपेक्टेशन है अभी तक शिबा इनु से। तो इजाजत चाहता हूँ, अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।